दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल के जरिए आपको ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती शहर से जिले में इन दिनों कोरोना से भी खतरनाक कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने की बीमारी फैल रही है। जिले में इन दिनों अफवाहबाज लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया पर सोमवार को एक सरकारी पत्र की तरह दिखाई देने वाला पत्र वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि सोमवार 20 जुलाई से 28 जुलाई तक जीवनावश्यक वस्तुओं व अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। पहली नजर में यह पत्र पूरी तरह से जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले पत्र की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पत्र के संदर्भ में जानकारी मिलते ही जिलाधीश कार्यालय द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिलाधीश कार्यालय की ओर से जिले में लॉकडाउन को लेकर अब तक कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है और यह पत्र पूरी तरह से फर्जी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस पत्र की जानकारी मिलते ही जिलाधीश शैलेश नवाल ने तुरंत ही यह चेतावनी जारी की कि जिन लोगों द्वारा इस तरह की अफवाहें फैलाकर समाज में भय व दहशत उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक इसी तरह सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अफवाह और फैल रही है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि मनपा प्रशासन को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक पैकेज मिल रहा है। इस पैकेज के तहत हर एक कोरोना संक्रमित मरीज के पीछे मनपा प्रशासन को करीब 1.5 लाख रुपए सरकार की ओर से प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने इस खबर पर काफी हैरत जताई, साथ ही कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और यह पूरी तरह से अफवाह है। निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने इस मामले में स्थिति साफ करते हुए कहा, सरकारी कोविड अस्पतालों सहित क्वारंटाइन सेंटरों में रखे जाने वाले कोरोना से संबंधित मरीजों पर मनपा व जिला प्रशासन द्वारा अपनी तिजोरी से खर्च किया जा रहा है, साथ ही हर मरीज पर होने वाले खर्च का ब्यौरा राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, जिसके चलते सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस काम पर खर्च करने हेतु निधि का प्रावधान किया जा रहा है, किंतु प्रति मरीज 1.5 लाख रुपए का कोई पैकेज मिलने की खबर पूरी तरह से अफवाह है और ऐसी खबरों पर कतई विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि विगत दिनों राज्य सरकार द्वारा महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कमजोर आर्थिक परिस्थिति से वास्ता रखने वाले मरीजों को इलाज हेतु 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संदर्भ में घोषणा की गई थी। कुछ लोगों ने संभवतः उस खबर का आधार लेते हुए सोशल मीडिया पर एक अलग ही अफवाह फैला दी है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इन दोनों खबरों के अलावा इन दिनों सोशल मीडिया पर कोविड अस्पताल से संबंधित कई तरह के फोटो और वीडियो भी वायरल हैं, जिसके चलते जिनमें दावा किया जा रहा है कि कोविड अस्पताल में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है और यहाँ पर चारों ओर गंदगी का आलम है। इन फोटोज और वीडियोज के चलते समाज में एक गलत संदेश जा रहा है और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिसे दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब क्वारंटाइन सेंटरों व कोविड अस्पताल की अच्छाइयों और वहाँ उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी को जनता के सामने रखने का फैसला किया गया है, जिसके तहत कोविड अस्पताल से ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों की प्रतिक्रिया लेकर ऐसे वीडियोस को जनजागृति हेतु प्रसारित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा जारी की गई है। जिलाधीश नवाल ने बताया कि अमरावती विद्यापीठ व आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती मरीजों को जूम ऐप के जरिए योग व प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही अचलपुर, तिवसा, नांदगांव, खंडेश्वर के ट्रॉमा केयर सेंटर में एक एक मोबाइल एक्सरे मशीन दी जाएगी। इसके अलावा अमरावती के कोविड अस्पताल व पीडीएमसी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 100 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था भी की जाएगी। गत रोज ये जानकारी सामने आई थी कि महानगरपालिका के चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने विगत दिनों मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के पास अपना त्यागपत्र सौंपा है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि डॉक्टर विशाल काले अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए अपना त्यागपत्र वापस लेने के संदर्भ में विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोमवार को हुई आमसभा में इस त्यागपत्र पर चर्चा हुई और डॉक्टर काले का त्यागपत्र आमसभा की मंजूरी पश्चात मंजूरी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेज दिया गया है। ज्ञात रहे कि मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा एन कोरोना संकट काल के दौरान अचानक ही अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के चलते मनपा गलियारे में कई तरह की चर्चा चल रही है, साथ ही इसके तार हाल ही में उजागर हुए शौचालय घोटाला मामले से जोड़े जा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने कहा है कि डॉक्टर काले ने अपने निजी वजहों के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा सौंपा था, जिसे सोमवार को ही आमसभा के समक्ष रख दिया गया था और आमसभा के निर्देश पश्चात इस त्याग पत्र को सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर डॉक्टर विशाल काले ने दैनिक अमरावती मंडल से बात करते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने विगत दिनों अपना त्याग पत्र निगमायुक्त रोड़े के पास सौंपा था, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस्तीफा देने के पीछे कौन सी वजहें थी।
अमरावती मनपा के इतिहास में पहली बार महानगर पालिका की आम सभा को ऑनलाइन तरीके से लिया गया। बता दें कि इससे पहले 20 फरवरी को महानगर पालिका की अंतिम आम सभा हुई थी, जिसके पश्चात मार्च माह से कोरोना की संक्रामक बीमारी फैलने के चलते और लॉकडाउन लागू होने के चलते महानगर पालिका की आम सभा अब तक नहीं हो पाई और 4 माह के अंतराल पश्चात सोमवार 20 जुलाई को महानगर पालिका की आम सभा बुलाई गई, जो वेबएक्स पोर्टल के जरिए ऑनलाइन तरीके से आयोजित हुई। इस आम सभा में पीठासीन अधिकारी महापौर चेतन गावंडे, उप महापौर कुसुम साहू व मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े सहित स्थायी सभापति राधा कुरील, पक्ष नेता सुनील काढ़े, नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत एवं सभी दलों के गुट नेताओं सहित मनपा के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं विभिन्न प्रभागों के पार्षदों ने इस आम सभा में ऑनलाइन तरीके से हिस्सा लिया, लेकिन आम सभा की शुरुआत में ही कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी दिक्कतें पाई गईं और आम सभा में ऑनलाइन तरीके से हिस्सा ले रहे लोगों को एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ पा रही थी। साथ ही वीडियो प्रसारण कई बार हैंग हुआ। इस आम सभा में गुट नेताओं ने हाल ही में उजागर शौचालय घोटाला मामले को उपस्थित करते हुए इस संदर्भ में प्रशासन से सवाल जवाब करने शुरू किए, जिस पर मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने बताया कि मामले में प्रशासन की ओर से जांच के साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जांच में दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। साथ ही यह मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है। इसके अलावा इस आम सभा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अत्यल्प वेतन पर काम करने वाले जिन ठेका कर्मियों को कोरोना से संबंधित स्वच्छता एवं साफ सफाई के काम में लगाया गया है, उनके लिए समान काम समान वेतन सिद्धांत को लागू किया जाएगा। इस समय आम सभा की विषय पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 39 पर चर्चा करते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान दलित बस्ती सुधारना के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 1,66,00,000 रुपए के कामों को मंजूरी दी गई। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा समय पर रखे गए एक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए इस प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि 4 माह पहले मनपा की विषय समितियों का कार्यकाल खत्म हो चुका था, किंतु 4 माह से कोरोना के चलते मनपा की आम सभा नहीं होने की वजह से नए सदस्यों की नियुक्ति का मसला प्रलंबित था। ऐसे में सोमवार 20 जुलाई को हुई आम सभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले विषय समिति के नए सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई और पक्षी बलाबल की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक विषय समिति में भाजपा के 5-5, शिवसेना के 1-1, MIM के 1-1 तथा कांग्रेस के 2-2 सदस्यों के नाम संबंधित दलों के गुट नेताओं द्वारा आम सभा के समक्ष पेश किए गए, जिन्हें पीठासीन अधिकारी के रूप में महापौर चेतन गावंडे ने मंजूरी प्रदान की। ऐसे में बहुत जल्द इन विषय समितियों के नए सभापतियों के चुनाव की प्रक्रिया होगी। हालांकि सभी विषय समितियों में भाजपा के 5-5 सदस्य रहने के चलते यह तय माना जा रहा है कि सभी विषय समितियों के सभापति पद पर भाजपा का ही कब्जा रहेगा। कुछ दिन पूर्व होटल व्यवसायी संजू शर्मा पर कातिलाना हमला करने के लिए सुपारी देने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी अनुरंगारी ने पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस के समक्ष ये कबूल किया है कि उसने ही शर्मा को मारने के लिए 20,000 रुपये में सुपारी दी थी। जानकारी मिली है कि अनुरंगारी ने पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस को बताया कि संजू शर्मा के साथ विगत 1 वर्ष से उसका विवाद जारी था। साथ ही उसने यह भी बताया कि शर्मा ने उसे अपने होटल में गालियां दी थी और उस पर अपना रिवॉल्वर ताना था, जिसकी खुन्नस उसके मन में थी। इस घटना के 3 दिन पहले शर्मा की होटल पर वह भोजन का पार्सल लेने हेतु गया था, तब भी शर्मा ने उसके साथ अपमानास्पद व्यवहार किया था। इस बात का उसे काफी बुरा लगा और उसने अपने पहचान वाले एक युवक को संजू शर्मा पर हमला करने के लिए 20,000 रुपए की सुपारी दी थी। गाय के दूध के लिए 10 रुपए प्रति लीटर और दूध पाउडर के लिए 50 रुपए प्रति किलो के अनुदान की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी, रयत क्रांति संगठन, शिव संग्राम, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी तथा रिपाई आठौले गुट ने आंदोलन करते हुए जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम दूध के पैकेट भेजते हुए ज्ञापन सौंपा। बता दें, इस विषय को लेकर भाजपा की ओर से सोमवार को एक राज्यव्यापी आंदोलन किया गया, जिसके श्रृंखला में अमरावती में भी एक अनूठा आंदोलन करते हुए महाराष्ट्र के किसानों पर लगातार खतरा बताते हुए कहा गया कि इस समय दूध उत्पादक किसान काफ़ी विपरीत हालात से होकर गुजर रहे हैं और सरकार की ओर से इन दूध उत्पादक किसानों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आंदोलनकारियों का कहना था कि कोरोना एवं लॉकडाउन के दौरान दूध की बिक्री में 30% की कमी हो गई है। दूध की मांग कम होने के चलते बाजार में दूध के भाव गिर गए हैं। वहीं सरकार की ओर से दूध उत्पादक किसानों को किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जा रही। इसके साथ ही सरकार के नाम सौंपे गए ज्ञापन में दूध उत्पादक किसानों के साथ साथ किसानों की अन्य समस्याओं की ओर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें सोयाबीन के नकली बीजों एवं यूरिया खाद की कमी की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया। महाराष्ट्र मध्ये शेतकऱ्यांवर संकट आलेले आहे, त्यामध्ये भर पडली आहे की दुधाचे भाव 15 ते 16 रुपये लिटर झालेले आहे। म्हणजे दूध संघ किंवा खाजगी व्यापारी खाजगी संस्था शेतकऱ्याकडून 15-16 रुपयात दूध खरेदी करतात, उत्पादन खर्च कमीत कमी 25 रुपये आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्र सरकारने या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवावं, प्रति लिटर 10 रुपये प्रमाणे गाईच्या दुधाला अनुदान द्यावं, दुधाच्या भुकटीला प्रति किलो 50 रुपये अनुदान द्यावं, यासाठी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि सोबतच दूधही पाठवलं आहे।
अमरावती में आज कुल 38 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1395। विगत अनेक दिनों से रोजाना भारी भरकम संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं सोमवार 20 जुलाई को यह संख्या अपेक्षाकृत रूप से कुछ कम रही। सोमवार को अमरावती में कुल 38 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट कोविड लैब से पॉजिटिव आई है, जिसके चलते अमरावती में अब यह आंकड़ा बढ़कर 1395 पर जा पहुंचा है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार की सुबह स्थानीय संगाबा अमरावती वीवी से 6 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चात सुबह 11:30 बजे के आसपास नागपुर के निजी कोविड टेस्ट लैब से 16 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और शाम में 6 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट अमरावती की टेस्ट लैब से आई है। वहीं देर शाम बडनेरा तथा विलासनगर स्थित रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर से 12 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने सरकारी नियंत्रण वाली महाबीज कंपनी पर आरोप लगाया है कि महाबीज ने नकली और निकृष्ट दर्जे के बीज देते हुए किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा है कि किसी समय किसानों को उच्च दर्जा वाले गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त हों, इस उद्देश्य को सामने रखते हुए महाबीज नामक कंपनी की स्थापना की गई थी, किंतु इस वर्ष महाबीज ने ही किसानों को निकृष्ट दर्जे वाले नकली बीज बेचे हैं। यह सीधे सीधे महाबीज द्वारा किसानों के साथ किया गया विश्वासघात है। ऐसे में नकली बीजों को प्रमाणित करने वाले अधिकारियों को तत्काल निलंबित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर बोंडे के मुताबिक किसानों ने बड़े भरोसे के साथ महाबीज द्वारा निर्मित सोयाबीन के बीज खरीदे थे, लेकिन 70% से अधिक किसानों के खेतों में बीजों का अंकुरण ही नहीं हुआ। वहीं अब महाबीज द्वारा अलग अलग वजहों को सामने करते हुए लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसानों का जो नुकसान होना था वह हो गया है और अब बुआई का समय भी आधे से ज्यादा हाथ से निकल चुका है। ऐसे में सरकार ने किसानों को महाबीज से नए बीज दिलाने के साथ साथ नुकसान भरपाई भी दिलवानी चाहिए। अमरावती के अंबापेट स्थित मदरसपेट स्कूल की मान्यता को शिक्षा विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षा उपसंचालक को अपनी एक रिपोर्ट में पेश करते हुए बताया है कि शाला के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के चलते इसकी मान्यता रद्द करने के संदर्भ में विगत 8 जुलाई को एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने शाला से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन करने के साथ साथ परिसरवासियों और शाला में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से उनकी समस्याएं और शिकायतें जानी थी, जिसके बाद इस समिति द्वारा शिक्षा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा अधिकारी ने शाला को अवैध घोषित कर इसकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश वाली रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश करने के लिए शिक्षा उपसंचालक को सौंपी है। उपरोक्त जानकारी के साथ ही शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित अभिभावकों से आह्वान किया गया है कि वे वर्ष 2020-21 के लिए इस शाला में अपने पालियों का प्रवेश न करवाएं। जिले में अब तक 70,000 से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिला, ऐसी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि जिले में 71,000 के आसपास किसानों को पीएम किसान योजना के तहत लगातार 5 किस्तों की रकम प्राप्त हुई है, जिसका मतलब है कि ये किसान इस योजना के लिए पूरी तरह से पात्र हुए हैं, जिसके तहत उन्हें वर्ष 2019 से अब तक करीब 2.5 वर्ष तक यह सम्मान राशि प्राप्त हुई है। ज्ञात रहे कि किसानों को निवृत्ति वेतन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विगत वर्ष से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। इस रकम का वितरण प्रत्येक वर्ष में 3 किस्तों के तहत करने का नियोजन किया गया है और किसानों को प्रति 4 माह में 2,000 रुपए दिए जाने की योजना बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक जिले में इस योजना के लिए कुल पात्र किसानों की संख्या 3,07,033 के करीब है, जिसमें से अब तक 71,000 किसानों को इस योजना की पूरी 5 किस्तें प्राप्त हुई है। शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा जिला कोविड अस्पताल सहित शहर के अलग अलग अस्पतालों में भी कोविड सेंटर बनाते हुए वहां मरीजों को भर्ती करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत शहर के कुल 8 कोविड सेंटरों में अब तक 840 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यदि एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या में और अधिक इजाफा होता है तो प्रशासन द्वारा इसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अमरावती शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हुआ और जुलाई माह में तो यह रफ्तार लगभग अनियंत्रित हो गई है। ज्ञात रहे कि 2 जुलाई को अमरावती में कोरोना संक्रमितों की संख्या ने अपना 6वां शतक पूरा किया था। वहीं मात्र 18 दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 1300 पर जा पहुंचा है, यानी मात्र 18 दिनों में कोरोना के करीब 700 के आसपास नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। विगत एक सप्ताह में ही अमरावती में कोरोना के 300 नए मरीज पाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन कोरोना संक्रमितों की संभावित संख्या को देखते हुए अपनी ओर से तमाम प्रयास पूरी मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पर कर रहा है। कुछ दिनों पूर्व अमरावती की जिला पालक मंत्री व राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने राजस्थान में जारी राजनीतिक हालात को देखते हुए भाजपा के खिलाफ बयान जारी करते हुए भाजपा को गोबर का कीड़ा संबोधित किया था, जिसके चलते आज अमरावती के राजकमल चौक पर भाजपा महिला आघाड़ी की ओर से यशोमती ठाकुर का तीव्र निषेध किया गया। इस समय पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की महिलाओं ने तीव्र आंदोलन करते हुए मांग की है कि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो पालक मंत्री यशोमती ने जो बोला है कि भाई भाजपा के गोबर के कीड़े है, यानी सेन के कीड़े, हमारे हिंदी में गोबर के कीड़े बोलते, तो ऐसा बोलना सूखता नहीं पालक मंत्री को। भाजपा की महिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं
का कहना रहा कि यदि पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जल्द से जल्द अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ और अधिक तीव्र आंदोलन किया जाएगा। यशोमती ठाकुर ज्या पालक मंत्री आहे अमरावती जिल्ह्याचा, त्यांनी भारतीय जनता पार्टी या सैन्यातल्या कियांचा असा त्यांनी वक्तव्य त्यांनी भाजपा जनता पार्टी बद्दल केलेला आहे। त्यांना अशा गोष्टी शोभत नाही। त्या म्हणजे शिकलेले आहे, शिक्षित आहे, ॲडव्होकेट आहे। त्यांनी असं वक्तव्य करावं हे राजकारण आहे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये त्यांच्या सत्ता त्यांची हिरवून गेलेली आहे। भाजपाला तिथे भरघोस यश मिळालेलं आहे, त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि त्यांनी असं वक्तव्य केलेलं आहे की त्यांनी जो म्हणजे उद्देश शब्द काढलेला आहे की म्हणजे शेणातले किळे हा जो उत्कोष आहे, हे वक्तव्य त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे चांगलं नाही आहे। कारण त्या एक पालकमंत्री आहे, पालकमंत्री या नात्याने त्यांच्यावर खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि पालकमंत्र्यांनी जर का असं करावं तर जनता काय करणार आहे। त्यांनी बोलताना स्वतःवर तावा ठेवायला पाहिजे आणि स्वतःवर आवर घातला पाहिजे। ऐसे में यह साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में यशोमती ठाकुर और भाजपा पदाधिकारियों के बीच संघर्ष तेज हो सकता है। इन दिनों स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा कोरोना के खिलाफ घर घर जाकर जन जागृति करने के अभियान पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की हेल्पलाइन द्वारा शहर के सभी प्रभागों में मोहल्ला समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी मिली है कि सबसे पहले बुधवार तथा जवाहर गेट स्टेडियम प्रभाग में मोहल्ला समितियों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिसका डेमो कल अथवा परसों में जिलाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा और इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों को देखते हुए इसे लेकर पार्षदों की जोन निहाय बैठक बुलाई जाएगी और फिर इस अभियान को शहर के सभी प्रभागों में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष रूप से बातचीत करते हुए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने बताया कि हेल्पलाइन द्वारा कोरोना के खिलाफ शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जिला व शहर प्रशासन तथा पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कामों में जन सहभागिता बढ़ाना है। प्राध्यापक वैद्य के मुताबिक विगत 5 माह से केवल प्रशासनिक महकमों के साथ साथ कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ही काम किया जा रहा है। इसके बावजूद इसमें कुछ हद तक एक सूत्रता का अभाव देखा जा रहा है। ऐसे में हेल्पलाइन ने आगे बढ़कर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सभी घटकों को एक मंच पर लाने की पहल की है, जिसके तहत शहर के एक एक व्यक्ति के घर तक स्थानीय पार्षदों के जरिए पहुँचा जाएगा और हर एक व्यक्ति को कोरोना के खिलाफ जागरूक करते हुए खिलाफ जारी जंग में शामिल किया जाएगा। जानकारी मिली है कि मंगलवार को इस विषय को लेकर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में जिलाधीश शैलेश नवाल, पुलिस आयुक्त संजय बाविस्कर, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े, महापौर चेतन गावंडे सहित कई जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पायलट प्रोजेक्ट का डेमो पेश किया जाएगा और इसे प्रशासन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद समूचे शहर में निर्धारित प्रारूप के तहत लागू किया जाएगा। विगत 3 जुलाई को स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस थाने में कार्यरत 52 वर्षीय महिला पुलिस कर्मचारी की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चलते मौत हो गई थी। इस महिला के परिवार को सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी तेजी से काम निपटाया गया है। बता दें कि सरकार की ओर से कोरोना के चलते मृत्यु होने पर पुलिस महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए के आर्थिक सुरक्षा का कवच देने की घोषणा की गई है। ऐसे में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जिला शल्य चिकित्सक का पत्र लगाकर इसकी फाइल पुलिस महासंचालक कार्यालय को भेजी थी और पुलिस महासंचालक द्वारा इस मामले को लेकर तमाम प्रशासनिक प्रक्रिया को बड़ी तेजी से निपटाया गया, जिसकी वजह से इस मृत महिला कांस्टेबल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा देना मंजूर किया गया है। उम्मीद है कि इस परिवार को काफी जल्द यह आर्थिक सुरक्षा राशि प्रदान कर दी जाएगी। स्थानीय गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र में अर्जुन नगर परिसर स्थित विंटेज बार एंड रेस्टोरेंट में विगत 3 माह पूर्व अज्ञात चोरों ने घुसकर करीब 70,000 रुपए की शराब चुरा ली थी। अपराध दर्ज होने के बाद से पुलिस की आंख में धूल झोंक रहे इस मामले के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने आज धर दबोचा है। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम केवल कॉलोनी निवासी मंगेश उर्फ सोनिया भीमराव चांदुरकर बताया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने इस आरोपी को 22 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि विगत 27 अप्रैल को अर्जुन नगर स्थित विंटेज बार एंड रेस्टोरेंट में घुसकर इसी चोर ने 70,000 रुपए कीमत की शराब चुरा ली थी, जिसकी लगातार तलाश जारी थी। धारणी में एक बर्थडे पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच हुए आपसी विवाद के दौरान कुछ दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त को लोहे के रॉड से वार कर जान से मार डाला। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 17 वर्षीय युवक शोएब सैयद सईद की मौत हो गई। यह घटना धारणी शहर के टिंगिया रोड स्थित मुरली खटवानी के गोदाम के निकट कल रात 10 बजे के आसपास घटित हुई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप झारे के साथ अन्य 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समीपस्थ अकोला जिला अंतर्गत मूर्तियापुर के निकट राष्ट्रीय महामार्ग पर एक कार और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मूर्तियापुर के निकट नागठाना गाँव के पास घटित हुई।
पता चला है कि नागठाना गांव के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। इस कार में 7 लोग सवार थे। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कार बुरी तरह चकनाचूर हो गई, जिसके चलते अन्य लोग कार के भीतर ही फंसे रहे। मृतकों में 2 बच्चों का भी समावेश था। वहीं एक पुरुष व एक महिला की इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हुई है। इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में इलाज हेतु ले जाया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया की तमाम ताजा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल के जरिए आपको ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे।